वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालियो, सिख आम करके की अपणियां अते की परायां दा विसाखा दा शिकार हुंदा है। आनंद गढ़ दे किले दे घेरे विच घिरे सिख पहाड़ी राज्यां दी भेजी आटे दी गौं दी सुगंध तों विसाहे गए। ये कुछ मिसालां जो सिखां दे नाल विसाखात होया। दूजी मिसाल साहिबजादा दौरावर सिंह अते साहिबजादा फतेह सिंह दी शहीदी गंगू ब्राह्मण दे विसाखात दा हिस्सा सी। तीजी मिसाल सभरावां दी जंग जिहड़ी सिखां ते अंग्रेजां दी अखीरली जंग सी। इह जंग जिहड़ी है इह सिखां नूं हार दा मूंह देखना पिया। ब्राह्मण जरनैल तेजा सिंह ते लाल सिंह दे विसाखात दे कारण। चौथी मिसाल देश दी तकसीम दे वंड दे वक्त गुरु दे सिखां ने अपने एक सिख आगू नूं सिख स्टेट बनन दा मसूबा दे के भेजिया कि यह मसूबा जिहड़ा है तुसीं इह जिहड़ा साडा है इह मुहम्मद अली जिन्हां नूं देणा है। लेकिन उस सिख दे विसाखात दे कारण उसने ये जो मसूबा बनाया सी सिख स्टेट वक्री दा ये जवाहर लाल नहरू नूं देता। सिखां दी सारी व्यूहत ते पानी फिर गया उस सिख दे एक विसाखात दे कारण। जो है वो पंडित नहरू जिहड़ा वो चुकन्ना हो गया ते सिखां दा सिख स्टेट बनाउण दा मसूबा जिहड़ा वो खत्म हो गया। अगली मिसाल देश दी वंड तों पहलां जो सिखां ने कुरबानियां कीतियां उन्हां कुरबानियां नूं मुख रख के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अते पंडित नहरू अते महात्मा गांधी ने जो वादे किए सन उन्हां वादियां तों मुकर जाना इस तों वड्डा विसाखात कोई नहीं हो सकता। ते 2 जून 1984 नूं इंदिरा गांधी का यह कहना कि दरबार साहब के अपर फौज नहीं आएगी, दरबार साहब के अंदर फौज नहीं आएगी, लेकिन 3 जून तों लैके जिहड़ी फौज आई जो जवान बच्चियां बुढ़ियां का जो कतलेआम होया इस तों वड्डा विसाखात सिखां दे नाल अज तक जिहड़ा उह नहीं होया। हुण देश की आजादी का कोई ऐसा अंदोलन नहीं होएगा जिस विच सिखां ने अगे होके कुरबानियां दे के चमत्कार ना दिखाए हों। 1824 दे विच बर्मा की वार होंदी है ते सिखां दी सिख रेजिमेंट 47 नेटिव इनफेंट्री ने बर्मा के खिलाफ लड़न तों इनकार कर दिता। बर्मा जिहड़ा उस वक्त इंडिया का पार्ट सी उन्होंने इनकार कर दिता। लेकिन सर एडवर्ड ने गोरे फौजां दे नाल 11 नवंबर 1824 दे विच सारी रेजिमेंट नूं घेर लिया, सारी 47 नेटिव इनफेंट्री नूं घेर लिया ते 850 फौजियां नूं उस इनफेंट्री नूं तोपां दे मूहरे खड़ा रख के उड़ा दिता जिहदे विचों 550 सिख सन। 1825 दे विच ग्रनेडियर कंपनी ने असाम जाके अपने भरावां दी आजादी खोह तों इनकार किया ते 400 सिखां नूं जिहड़ा तोपां मूहरे खड़ा करके उड़ा दिता। उसके बाद 1847 दे विच अंग्रेज अपने पैर जमा रहे सन, एक सिख महाराज सिंह ने जिहड़ा वो झंडा बुलंद किया प्रोटेस्ट का अंदोलन का अते उस सिख नूं एक हिंदू के विसाखात के कारण उसनों पकड़वा के मुखबरी करके उसनों पकड़वा दिता। उसके बाद 1859 विच अंग्रेजा दे नाल सिखां दी आखरी लड़ाई होंदी है, देश की आजादी की आखरी लड़ाई, जिस विच एक पासे सारियां फौजां भारत दियां अंग्रेज क्या गोरे क्या गढ़वालीए एक पासे केवल ते केवल सिख। 1859 की आखिरी लड़ाई यह भी सिखां नूं हार दा मूँह देखना पिया डोगरियां की गिरदारी के कारण। उसके बाद 1869 दे विच यह मैं गल कर रहा सिखां ने जो कुरबानियां दित्तियां अगे वध के 1869 दे विच बाबा राम सिंह ने जिहड़ा ना मिलवर्तन का जिहड़ा वो सद्दा एक प्लान जिहड़ा हिंदुस्तान नूं दित्ता। ध्यान रखो 1869 दे विच अजे तक कांग्रेस का जन्म नहीं होया। 1885 विच इंडियन नैशनल कांग्रेस का जन्म होंदा है, लेकिन 1869 दे विच बाबा राम सिंह नामधारी ने यह मनसूबा यह प्लान हिंदुस्तान नूं देता। अंग्रेजी जबान, अंग्रेजी लिबास, अंग्रेजी नौकरियां, सरकारी अदालतां, रेल गड्डियां, इन्हां सारे का बायकाट और पंजाब दे विच सूबे स्थापित कर ले। नेपाल ते रशिया का इन्हां नूं सपोर्ट दी जे मिल गई, लेकिन इस भारत दे विच जातिवाद अते जहचंदी जहनीयत ने
पंजाब तो बाद किसी भी सूबे का बाबा राम सिंह नूं सपोर्ट नहीं मिली। तो 1872 दे विच 64 नामधारे नूं तोपां मुड़े खड़ा करके जिहड़ा उड़ा दिता गया। उसके बाद जिहड़ा यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन गल जिहड़ी ध्यान देने वाली यह है कि जेकर 1859 दे विच एक पासे सिख फौजां ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 80-90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਗਲੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 113 ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 799 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 1918 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1869 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਮ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ 8 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ 8 ਅਗਸਤ 1922, ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਸਾ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਇਆ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, 100 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। 5605 ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਨੇਤਾ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਕਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਝੰਡਾ ਕਾ ਲਿਓ। ਸਵਰਾਜ ਕਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਝੰਡਾ ਕਾ ਲਿਓ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਹਮ ਕਪੂਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੈ ਸਪੂਤ, ਘਰ ਘਰ ਮੇ ਹੋ ਰਹਾ ਯੇ ਚਰਚਾ ਕਾ ਲਿਓ। ਤੁਮ ਦਰਦੇ ਹਿੰਦ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਕਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀਓ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ! ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਟਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੱਟਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਰ ਪਾਈ,
तार पा के कहा सिखो तुहानू मुबारक होवे, तुसी गुरुद्वारा आजाद करवा लिया, हुण देश भी तुसी आजाद करवाना। ये मोती लाल महात्मा गांधी ने यह गल कही सी जिस वक्त गुरुद्वारा मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त यह गल कही सी। हुण साडे सारिआं बच्चों को पता होगा कि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब जिसनों कहा जाता है, ये साइमन कमीशन जिस वक्त आया सी उस वक्त इसनों डांग वजी सी ते शहीद हो गया सी, सारिआं नूं पता। लेकिन सानू यह नहीं पता होना कि गुरु के बाग के मोर्चे का पहला शहीद, गुरु के बाग के मोर्चे का पहला शहीद अगर लाला लाजपत राय नूं एक डांग वजदी है तो वह शेरे पंजाब बन जाता है, तो शहीद हो जाता है। बल्कि हुण नवीं स्टडी कहती है लाला लाजपत राय नूं अटैक होया सी, वह डांग नाल नहीं सी मरिया। इसे तरह गोबिंद वल्लभ भाई पंत, उसनों एक डांग वजी है अंग्रेज सरकार की, पूरी जिंदगी उसका शरीर कंबदा रहा है, लेकिन गुरु के प्यार वाले हो गुरु के बाग के मोर्चे का पहला शहीद, उसनों बेटी की एक डांग नहीं, दो डांग नहीं, तीन डांग नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, भी नहीं, पच्ची नहीं, चाली नहीं, पंजा नहीं, 97 डांगा। यह इतिहास है साडा गौरवमयी विरसा, 97 डांगा वजियां शाम सिंह गुरु के बाग के मोर्चे के पहले शहीद न, 97 डांगा सिर पर खा के 98 डांग ते गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला दूला जिहड़ा वह शहीद हुंदा है। साडी बदकिस्मती है असी अपने बच्चियां तक जिहड़ा इतिहास नहीं पहुंचा पाए। यही कारण सी गुरु के बाग के मोर्चे के बाद 1942 जिस वक्त सैकेंड वर्ल्ड वार लगती है, इंडियन नेशनल आर्मी बनती है, सुभाष चंद्र बोस से मोहन सिंह जरनैल 42,000 के 28,000 सिख सन, इतनिया कुरबानियां दित्तियां, इतनिया कुरबानियां जिस वक्त देखिया उन्होंने इन्हों लीडर ने हिंदुस्तान के लीडर ने, फिर उन्होंने वादे करने शुरू किए। जिहड़ा मेरा विषय क्यों की तो विसा, सिखा ने क्यों धोखा तो खाधा, क्यों विसा किया, इन्हों के पर किहड़ियां शर्तां दे पर विसा किया, इन्हों नहीं पता। जे मास्टर तारा सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पुत्र जे लाहौर असैम्बली दे विच मुस्लिम लीग का झंडा नहीं फाड़ता तो अज पंजाब की हद जी जमुना तक होनी सी, अद्धा पंजाब बचा के दिता मास्टर तारा सिंह ने जिस वक्त लाहौर असैम्बली में मुस्लिम लीग का झंडा फाड़िया थी उसने। ये सारिया कुछ देख के फिर इन्होंने वादे करने शुरू किए, फिर समय के लीडर ने वादे करने शुरू किए। सब तो पहला वादा की किया 1929 की लाहौर सैशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला सैशन होंगे तो मता पास किया गया। मता की पास किया गया, द कांग्रेस एश्योर्स द थिक that no solution in any future constitution will be acceptable to the congress that does not give them full satisfaction, ਭਾਵ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਗੱਲਾਂ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਬਰੇਵ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਐਂਟਾਈਟਲ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਸੀ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਐਨ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀਡਮ। ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 1946 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਐਨ ਏਰੀਅਨ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀਡਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੂਕੇਟ ਸੇਫ ਗਾਰਡਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਫਾਰ ਮਾਇਨੋਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਲੈਜ ਐਂਡ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸਟ ਫੀਟ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ
यह वचन है, यह नेम है, यह संधि है कि तुहाडे हक सुरक्षित किए जाएंगे। उसके बाद जनवरी 1947 फिर मता पास किया गया कि पंजाब के बहादुर सिख जड़े ने इन्हों के हकों की राखी की जाएगी। जुलाई 1947 फिर मता पास किया गया तुहाडे हकों की राखी की जाएगी। ये सिख विश्वास करता गया करता गया करता गया करता गया, मिलिया कि 1947 की आज़ादी तो देश बन तो बाद पाकिस्तान मुस्लिम लै गए। इस तू पहला सिखां नूं आफर मिली सी, सिखां नूं बलदेव सिंह दे राहीं आफर मिली। सैकटरी ऑफ स्टेट सिखां दे कोल लाके कहिंदा, जिस वेले लंडन गए सन मुहम्मद अली जिन्ना, पंडित नहरू ते बलदेव सिंह सिखां दा नुमाइंदा गया सी कि रुक जा। बलदेव सिंह नूं सैकटरी ऑफ स्टेट कहिंदा कहिंदा रुक जा, जे तू रुक जावेगा ऐसे योग प्रबंध किए जाएंगे जिदे विच सिख भी आज़ादी का निग माण सकणगे, सिख भी दुनिया के इतिहास आज़ादाना विचर सकणगे। लेकिन बलदेव सिंह ने जाके नहरू नूं गल सुनाती। नहरू कहिंदा बह जा जहाज ते, भी असीं अपना निपटारा तुहाडे नाल आपे कर लांगे। ये गल सुन के लोनड मोसले ने गल कही सी, इज देर एनी सच थिंग एज ए फार सिंग थिक सिख, क्या कोई दूर अंदेशी सिख भी होएगा? इतना वड्डा थब है ये बोल अज भी साडे जहन दे उपर, साडे जमीर दे उपर, साडी अणख दे विच उपर कि कोई दूर अंदेशी सिख भी होएगा। ये लोनड मोसले ये गल कहिंदा है बलदेव सिंह दे गे गुजरे रोल नूं देख के। आजादी दे बाद सब तो पहला खिताब की मिलिया सिखां नूं, पहला किताब यह मिलिया कि जिहड़े पंजाब वैसट पंजाब तों ते बंगाल तों सिख आणगे इन्हां नूं ठहराणा किथे है। ये हुण हो गया विसाघाट, क्यों कितों विसा वादे किए, कुरबानियां दे के वादे किए। वादे करन तों बाद पहला झटका की दिता, पहला झटका यह दिता कि जिहड़े सिख पंजाब तों वैसट पंजाब तों पाकिस्तान तों आणगे उन्हां नूं इक जगह इकट्ठे नहीं होण देणा, ओह नहीं होण दिता। जिहड़े हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके सन उहदे सिख सिखां नूं जिहड़ी वसो करती, जिहड़े सिख मेजोरिटी वाले इलाके सन उहदे हिंदुआं नूं ठहरा दिता। मिसाल दे तौर ते बहावलपुरी मुल्तानी ते मांझी ये इलाके जिहड़े सन ये हिंदुआं दे इलाके सन ते इन्हां नूं जिहड़ा राजपुरा ते पटियाले विखे शरण देती। जिहड़े सिख जिहड़े आए सन शेखपुरा ते गुजरांवाला तों जिहड़े आम तौर सिख सन इन्हां नूं करनाल ते कुरुक्षेत्र दे विच जिहड़ा इन्हां दा टिकाणा कीता तां जो सिख किधरे इकट्ठे हो के अलग स्टेट की मंग ना कर सकन। ये पहला पहला वार किया इन्होंने। दूसरा वार की किया जेडे पाकिस्तान तो सिख आए सन, ये जराइम पेशा कौम है, ये जराइम पेशा कौम है, इन्हों पर बिल्कुल विश्वास ना किया जाए। तीसरा वार की किया जेडे हुणे हुणे थोड़ा समा पहले जेडे हिंदू तो सिख बने सन जिन्हों सो कॉल्ड शड्यूल कास्ट कहें, उन्होंने जी नवे वजिश्वे देने शुरू किए, उन्होंने सीटा राखवियां कीतियां असैंबली दे विच, उन्होंने सीटा दित्तियां। फिर उन्होंने की किया नाल ये भी कहता कि ये जेड़े सारिया जिहड़ियां असीं बेनीफिट्स दे रहे हैं ये केवल हिंदू शड्यूल कास्ट वास्ते हैं, ते जेड़े 7-8 जिहड़ा हिंदू जिहड़ा सिख बनिया सी ताजा ताजा ये सारा केस कटा के फिर जिहड़ा हिंदू जिहड़ा बोंग की शामिल हो गया। इस नाल धर्म प्रचार का जिहड़ा कम चल रहा सी अलीगढ़ मिशन ते हापड़ा मिशन ये सदा लई यूपी विच बंद हो गया। ये तीसरा किताब सानू मिलिया। चौथा किताब बड़ा कमाल का मिलिया कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे विच किया, अज तो बाद लोक सभा की तो राज्यसभा दी असैम्बली दी जिहड़ियां चोणां होणगियां ये सैपरेट इलैक्टोरेट नहीं होएगा। जिहड़े सिख शुरू तों मंग करदे आ रहे सन जॉइंट इलैक्टोरेट होएगा, किसी भी जात दे लई किसी भी वक्री जिहड़ी है वह कौम दे लई घट गिणती दे लई वक्रियां सीटां नहीं होणगियां। यह मिलिया किताब जदों ये गल सुनी 8 अगस्त 1948 इस रिपोर्ट आई कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली की सब कमेटी की रिपोर्ट आई तो सरदार पटेल ने कह दिता कि अगर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया तो यह सारा देश हूँ हिंदुओं का देश है। तो कटजू ने गल कहती हूँ सिखां दी जिहड़ी है वह भलाई इस विच है कि अपने आप नूं बहुपक्षी जमहूरीयत विच शामिल कर लैन। ये किताब मिलिया। चौथा किताब मिलिया कि असैम्बली सैपरेट इलैक्टोरेट नहीं होएगा, सीटा राखवियां नहीं कीतियां जाणगियां। उसके बाद की किया कि संविधान दे विच यह गल कह दिती कि सिख जिहड़े ने इहदे पर हिंदुआं दीआं धारावां लागू होणगियां, मुसलमान ते ईसाइयां दे उपर हिंदू धारावां लागू नहीं होंदियां, सिखां दे उपर बोधियां दे उपर जैनियां दे उपर अज भी हिंदू कोड दीआं धारावां लागू होंदियां। भावें असीं कही जाइए कि हम हिंदू नहीं, भावें गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होए ना हम हिंदू ना मुसलमान, लेकिन भारत दा विधान कहिंदा, भारत दा संविधान कहिंदा असीं हिंदू हाँ। कानून दी दुनिया विच असीं अज भी हिंदू ही हाँ, असीं वक्री लड़ाई नहीं लड़ सकदे। कानून अज भी कहिंदा, संविधान अज भी कहिंदा इह हिंदू हन। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ
द सिख डू नॉट एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिख रिजेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिखा नूं इह संविधान जिहड़ा परवाह नहीं है। जदों इस तरह के सिखा के आगू फैसले लेंदे ना, फिर सरदारां चोगा पांदियां। उह चोगा पाया इन्हां नूं भी, नहरू ने इन्हां नूं भी चोगा पाया ते हुकम सिंह नूं स्पीकर की कुर्सी ते बिठा दिता। हुण जिहड़ा हुकम सिंह इह गल कहिंदा सी कि सिख डू नॉट एक्सैप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सिख रिजेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वह उस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के उपर कसम खा के सहु खा के कहता है कि मैं यदा वचन बंद रहा। स्पीकर की कुर्सी जाके बैठ गया। इस तरह के चोगे सरकार पैदा तो मछली जाल ना जाने सिख जड़े इन्हें फसा जाता है, पादिया पा रही तो पादिया रह इस तरह चोगे। अगला की किया, अगला की किया कि पंजाबी सूबा दिल्ली बन गया, तेलुगू बन गया, तमिल बन गया, आसामी बन गया। जो सिखा की वारी आई इन्होंने पंजाबी सूबा दिन तो इनकार करता। असं सारे जानते हैं इतिहास कितनी लड़ाई लड़ी मिलिया। जिस वक्त इंदिरा गांधी माई ट्रुथ में लिखती है, मैं जिस वक्त सूबा बनया मैं बड़ी जगह भजी जाके रोकण वास्ते, मैं नहीं रोक पाई। तो जिस वक्त उस वक्त होम मिनिस्टर श्री नंदा तो की कहता है, कहता मैं ऐसा सूबा देंगा ना सारी उम्र रोंदे रहेंगे बैठ के। ऐसा सूबा मिलिया लंगड़ा, हिमाचल कटता, हरियाणा कटता, कैपिटल कटती, ऐसा सूबा मिलिया सानू। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ हिंदू सिख कन्फलिक्ट इन पंजाब, दो फॉरन देश सन, इंडिपेंडेंट स्टडी की उन्होंने। वो कहता यार हैरान हो गई जुलाई 1984 के, कहता मैनू हूँ पता चलिया कि हिंदू तो सिखा की कन्फलिक्ट मेन जड़ की है। कहता उस वक्त हिंदुआ ने अपनी लैंग्वेज मरदमशुमारी वक्त 1961 वक्त अपनी हिंदी लिखवाई कि साड़ी हिंदी लैंग्वेज है, जिस वक्त पूरे पंजाब दे विच एक भी पेपर हिंदी का नहीं सी, एक भी न्यूज़ पेपर हिंदी का नहीं सी। इन्हां ने अपनी लैंग्वेज हिंदी लिखाई तो पंजाब दो सूबे बन गए, एक हिंदी सूबा बन गया, पंजाबी सूबा बन गया। एक खिताब दिता। उसके बाद फौजियों का, फौजियों की जिस वारी आई आज़ादी तो पहला जी सिखा की गिनती थी फौज के 30% से, एक घटा के इन्होंने 1.5% करती। उसके बाद पानिया का मसला असं सारे जानते हैं, साडा पानी खो के जोड़ा वो गैर पंजाबी सूबे में वंडना शुरू कर दिता, नाल ना जोड़ा रहा पानी से उन्होंने भी जोड़ा भेजन के मसूबे बना दिए। ये सारे वार साढ़े उपर हो रहे हैं। ये सारा कुछ देख के जिस वक्त सिखा की पंजाबी धरती खो ली, पंजाबी बोलता सूबा खो लिया, कैपिटल खो ली, पानी खो लिया, फिर सिखा ने आवाज़ की असी वक्री कौम। बस ये कहने की डेट सी, बस अतवादी वक्खवादी खालिस्तानी देश द्रोही, इस तरह डिग्रियां प्राप्त करनी शुरू हो गई। और अज तक जेड़ा सिख ये गल कहेगा हम हिंदू नहीं असी वक्री कौम है, उसके वास्ते खिताब तैयार है। जेड़ी सरकार जेड़ी सोच एक कैच छड़न ते, एक क्रिकेट मैच के कैच छड़न ते खालिस्तान का खिताब तैयार है साढ़े वास्ते, उसके कोल तुसीं होर की उम्मीद लगा सकते हो? तुसीं कुछ उम्मीद नहीं लगा। सानूं आप सुचेत होना पैना। उसके बाद 84 विच देख लो, जब तक इन्हों की जहनीयत नहीं पकड़ांगे, इन्हों की सोच नहीं पकड़ांगे, सानू गल समझ नहीं आएगी। इन्हों की जहनीयत, इन्हों की सोच देखो 1984 के 28 बच्चे पकड़ते हैं 4 to 12 साल के, उन्होंने पर दफा की लगती है 105 to 171 ये अमन भंग करे, पुलिस के उपर जुलम करे, ये दफा लगा है 4 to 12 साल के बच्चों, ये सोच है इन्हों की। गलों में टायर पाए जाने जदों भी गल होएगी, जिस वक्त 1984 दिल्ली वापरद उस वक्त सुल्तानपुर कलोनी के इन्होंने सिखा इकट्ठा किया, नौजवानों इन्हों दाड़ियाँ तो केस कतल करके नाई को कटवा के 21 रुपये 21 रुपये जड़े हर एक सिख को नाई को दिलवाए, ये सोच है इन्हों। गलों में टायर पा के भंगड़ा पा सकते हैं, ये इन्हों की सोच है। जब भी गल होएगी सीधा साड़ी पगड़ी है पर साड़ी दाड़ी परिवार करेंगे। तो देख लो पूरा 1984 का घोल देख लो, हरियाणा की बसा में सिखा पकड़ पकड़ के उतार उतार के दाड़ी से केस कट्टे जाते सर, इन्हों का टारगेट यही है। और जिस वक्त दोबारा गल वापरनी है ना, ये गल ध्यान रखे, उन्होंने ये नहीं देखना कि किस संस्था का बंदा है, ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, यह खंड कीर्तनी है, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखनी। उन्होंने ये नहीं देखना कि ढड्डियां वाले का प्रोफेसर दर्शन सिंह का, पिंदरपाल सिंह का, किस चीज़ उन्होंने नहीं देखना। सिर पर पगड़ी तो मूँह के उपर दाढ़ी साड़ी मौत के वारंट होने, उन्होंने नहीं देखना। अंत के समा मेरा सिर्फ 2 मिनट रह गया। आखिर दे जो मैं कंपाइल कर पाया विषय में सिर्फ कुछ सत्रा कह के मंड दी, मैं आप जी को क्षमा मंग लाँगा। मंड ने बड़ी कमाल की सत्रा लिखिया जिहड़ियां इस विषय में पूरा का पूरा कंपाइल कर लेनियां। अज बाजा वालिया वेख लै तेरी कौम दे बदले रंग, सानू वक्त ने मारा मारियां असी मुड़ तू हो गए नंग, सानू आन गुलामी घेरे आ साडे शाही वर्दी जहर, असी फिरदे डगमगाम दे साडे लंगड़े हो गए पैर, अज कोई नहीं गल नाल लांवदा साडी रोंदी जिंद निमाणी नूं, मैं देश नहीं अपना मनदा जिते अग्गा लगन बाणी नूं, असी लोह दे दरिया रोड़ के कीती पत्तर हिंद दी धौं, साडा ना इहदा नाम है मिलिया सानू साडे मासूम पुट्टे लों, साडे तख्त दे तोपा चाणियां साड़ी हर पर लोवे अख, असी रुंझे होइए खून दे साड़ी मारी गई है मत,
अज कोई नहीं गल ना लामदा साडी रोंदी जिंद नहीं माणी नूं, मैं देश नहीं अपना मणदा जिथे अगा लगन बाणी नूं। असी सांझ धोखा खा लिया, साडा दुश्मन बणिया यार, सानू अगू जफिया पांदिया ते पिट्टे करदा वार, साडे बोलन ते पाबंदियां ते हुक्म ना सुनदा कोई, ये धरती अज पंजाब दी रो रो कंबली होई। मैं चुक चुक मथे लामदा इस खून च बझी कहानी नूं, मैं देश नहीं अपना मणदा जिथे अगा लगन बाणी नूं। असी बिखरे पेंडे चल के आए बिरहां वाले शहर, असी अपने विच मकान ते बन के वसीए गैर, साडे सिर ते झखड़ झुलदे ते सीने बलदी अग, ओ मेरी रूह है चीका मारदी वेख पैड़ी रुलदी पग। अज कोई भी नहीं सुलझांदा इस होल उलझ दी ढाणी नूं, मैं देश नहीं अपना मणदा जिथे अगा लगन बाणी नूं। ओ कोई सरूप गुरां दे साड़दा, कोई रचदा है सवांग, वेख घुमदे वांगर राजियां मेरी निकलदी है बांग, मेरी अणख नूं आण कचीचियां ते रोला पावे जमीर, मैं पुछां वड्डा रबिया कैसी लिखदी तू तरवीर। अज क्यों नहीं तू सुलझांदा इस संडियां दी ढाणी नूं, मैं देश नहीं अपना मणदा जिथे अगा लगन बाणी नूं। अज गभरू मेरे देश ते अखीरली बंद, अज गबरू मेरे देश से क्यों बदली वैसे भेट, कुछ वस नशिया दे पै गए कुछ तुर गए ने परदेस, हथां विच डिग्रियां महंगियां बन वेटर कमांड रुपये, साडे हिस्से दियां दो कुर्सियां उत्थे आण बैठे ने भईए, मड सदे भिंडरां वालिया अज फसाम लै फिर जवानी नूं, मैं देश नहीं अपना मंदा जिथे अगा लगन बाणी नूं। सानू भी गल समझ आ जानी चाहीदी है, उन्हां नूं भी समय दियां सरकारां नूं गल समझ आ जानी चाहीदी है, जो चंद्रशेखर ने कही सी, If Sikhs are unhappy, the country cannot be happy. If Sikhs are liquidated, country cannot survive. अगर सिख ना खुश रहेंगे, कंट्री कदे भी खुश नहीं रहेगी। सिखा नु खत्म करोगे, कंट्री कदे भी सर्वाइव नहीं कर सकती। भुला चुका समा बख्शनी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद वीर पवनदीप सिंह जी, जम्मू जोन तो।